अस्सलाम वालेकुम, शुरू करते हैं अल्लाह ताला के बरबरकत नाम से। और ये देखें, यहाँ पे इतना अच्छा मौसम हो गया, जबकि विंटर तो स्टार्ट हो गया है। बहुत सर्दी पिछले दिनों में थी काफ़ी ज़्यादा, और आज धूप निकली हुई है, तो क्यों ना इस धूप का फ़ायदा उठाया जाए। तो कोई ऐसी प्लानिंग करते हैं जो कि बाहर घूमने फिरने जाएँ, और आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे बाहर के सीन और मंजर वगैरह सब कुछ शेयर करेंगे। और बस अंदर जाते हैं और यहाँ से कोई प्लानिंग करते हैं कि कोई जगह सर्च करें जहाँ पर हम जाएं और नज़ारे देखें और आपको भी दिखाएं। वाली वाह, व्लॉगिंग हो रही है। हाँ जी, देखिए आज आपसे चुपके चुपके, मतलब पूछा भी नहीं आपसे, जबरदस्त स्टार्टिंग कर दी है। बस अब अल्लाह करे अच्छी बने। खैर, बाहर वेदर बहुत अच्छा है। विंटर तो खैर स्टार्ट कब का हुआ है, विंटर तो स्टार्ट हो चुका है थोड़ी देर से। तो आज धूप इतनी मजे की लग रही है, कलर भी इतने खूबसूरत लग रहे हैं ट्रीज के, तो क्यों ना हम इस चीज का फायदा उठाएं और बाहर चलें। तो आपके जेहन में कोई है जगह के सर्च करने में? वो अभी सोचना पड़ेगा ना कि लॉन्ग ड्राइव करनी है कि शॉर्ट ड्राइव करनी है। अगर तो जिस तरह की धूप निकली है और ट्रीज के कलर है, अगर ऐसा कोई मंजर देखना है तो फिर हमें लॉन्ग ड्राइव करनी पड़ेगी, कम से कम 2 आवर्स। ओह लाइक मी लॉन्ग, वाओ, आई एम हैप्पी। आर यू गुड? यस, किड्स विल बी हैप्पी? या ऑफ कोर्स। हमने डिसाइड किया, हम जा रहे हैं रैनी गॉर्ज सस्पेंशन ब्रिज, जो कि 170 किलोमीटर अवे है, 2 आवर्स की ड्राइव है। चलें जी, हम रेडी हैं, निकलते हैं अभी। आपने बेस्ट डेस्टिनेशन चुना है मेरे ख्याल में। लॉन्ग ड्राइव होनी चाहिए, मौसम थोड़ा सा सर्द होना चाहिए, तेज धूप निकली होनी चाहिए और सड़कें साफ होनी चाहिए, तो फिर मजा आता है लॉन्ग ड्राइव का। सही, वाकई में बहुत मजा आ रहा है। बिल्कुल, रास्ता क्लियर है ना, और सेकंड हमें 2-3 चीजें एक टाइम पे मिल रही है। रास्ता भी क्लियर है, प्लस धूप है, ठंडी हवा भी है, मजा आ रहा है ड्राइव। हाईवे पे है और इस जगह पे यहाँ हाईवे है या हम हैं, कहने का मतलब ये है कि इर्द गिर्द बिल्कुल भी कोई आबादी नहीं, और यहाँ पे ये जहाज, छोटे जहाज उड़ाते हैं गवर्नमेंट फॉर द सिक्योरिटी ऑफ पीपल। वो ऊपर से देखते हैं कि कोई एमरजेंसी तो नहीं है, किसी को कोई नुकसान भी तो नहीं जा रहा, मतलब इतना ये सुनसान इलाका है, ये सिर्फ हाईवे है और गाड़ियाँ हैं, डेट्स इट, कोई भी आबादी नहीं है इर्द गिर्द। ये वीडियो में नज़र आ रहा होगा, राइट टू लेफ्ट साइड पे जंगल बियाबान है, कोई आबादी के आसार नहीं है, सिर्फ हाईवे है और गाड़ियां हैं। ये खेत हैं सारे लेफ्ट और राइट पे, और ये किसी चीज़ का कारखाना लगता है बड़ा सा, रास्ते में आया था। ये तो मकई है, ये चिट्टे लगे हैं।
हेलो 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 हाउ आर यू। माशाल्लाह बहुत हैवी जानवर है। इनकी लेयरिंग देखें जरा, मतलब बिल्कुल रेडी है। घर कितने कितने काफी दूर हैं लोगों के ना। यस, मैं तो ये देख रही हूँ, घर तो है ही है लेकिन पास कोई फैसिलिटीज नहीं है, मतलब कोई मॉल नजर नहीं आ रहे, बिल्कुल एक घर, एक यहाँ पे कहाँ पे है, ये एक घर ही है, दैट्स इट। अब पास और कोई घर नहीं है। अब इधर देखा जाए, अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच चुके हैं और ये सीन है, ये मंजर है। अभी तो गाड़ी पार्किंग की है, अभी आगे ब्रिज पे भी जाते हैं। तकरीबन 300 फीट्स के करीब ये ब्रिज है। ये कोई पावर हाउस लगता है और ये रास्ता है ब्रिज का। रैनी फॉल्स, ये मैप है। चले भी इधर से ऊपर जाना है, इधर से कम। हाँ, ये मोबाइल में शायद इतना नहीं लग रहा, ये चलने में बहुत खतरनाक लग रहा है। हसन आ जाओ। हुसैन ब्लॉक्स नीचे फेंको इधर पानी के, एक मिनट रुको जरा, फेंको ये नीचे, ये ट्रेंट रिवर है, ये सारा, ये पावर हाउस के अंदर से पानी आ रहा है और ये छोटी सी फॉल है। यहाँ पे अगर कोई चीज वगैरह हो ना, छोटी चीज, वो तो नीचे जा सकती है सीधा पानी में। ब्लॉक्स नीचे फेंक दिए हैं।
ये हम इसकी दूसरी साइड पे आ गए हैं। बस आगे से ये ट्रेल्स बनी हैं, इधर से सब कुछ खत्म है, इधर एक ट्रेल है। सैन कहाँ पे आप? ये चलें जी, दोनों साइड्स देख ली, अभी वापसी की तैयारी है। इधर से हम वापस जा, इस साइड से हमने देख लिया, अभी ये दूसरी साइड पे, इधर ही गाड़ी पार्क की थी, अभी वापसी की तैयारी है। माशाल्लाह बहुत अच्छी जगह है। ये इसके ऊपर हम चल रहे हैं, वो पानी आगे आगे से आ रहा है, ये पावर हाउस है। ये ट्रेंट रिवर है, वो मेरा और हुसैन आगे चले गए हैं, पहुंचने वाले हैं। हसन आपको कैसी लगी है ये जगह? अभी ये ब्रिज के पर चले, अभी एक और जगह पर जा रहे हैं, वहाँ पे पार्क है, वहाँ पे हमारी वो हम अगले चक्की चीज गए थे, वहाँ से चीज ली थी, तो वो हम लोग उड़ाएंगे। एक पापा के वो हम लोग को नहीं पता कैसे चलाते हैं, हम दोनों की इजी है, थैंक यू मेरे। ये है इसका फर्स्ट कॉर्नर जहाँ पे हमने गाड़ी खड़ी की थी, और ये हमारा विजिट कंप्लीट हो गया है। अभी वापसी की तैयारी है, दोपहर के 4:37 हो गए हैं, और जीपीएस ये शो करवा रहा है हम 6:35 तक घर पे पहुँचेंगे। प्रेस कर दी क्या? ये हमारा छोटा वीडियो रिकॉर्डर है, अभी हम घर की तरफ जा रहे हैं, अभी तकरीबन हाफ आवर रहता है घर पहुंचने में, तो वॉशरूम वगैरह की ज़रूरत पड़ी, तो अभी हम टिम होटन तो नहीं, मैकडोनल्ड आए हैं, यहाँ पे सारे वॉशरूम करेंगे, और विटबी में ही मैं कोई जगह देखूँगा, विटबी के अराउंड ही अगर कोई पाकिस्तानी रेस्टोरेंट हुआ अच्छा, तो वहीं पर हम डिनर भी कर लेंगे। ये देखिए जी, आज जिस रेस्टोरेंट में हम खाना खाने आए हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा, बल्कि बच्चों को भी बहुत अच्छा लगा। इसके अंदर इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये बिल्कुल एक पाकिस्तानी स्टाइल का रेस्टोरेंट बनाया हुआ है, जैसे कि आपने भाई नाम से भी देख लिया होगा, अब आपको विजिट करवाते हैं। ये हसन कैसा लगा आपको? और यसे आपको कैसा लगा? अच्छा, अभी फूड टेस्ट करते हैं। हाँ जी, चले फिर बाकी आपको बताएंगे फूड कैसा रहेगा।
जी अल्हम्दुलिल्लाह खाना हो गया है ख़त्म, तो अभी भी सफ़र तकरीबन 30 किलोमीटर्स है घर तक का, और बच्चों ने भी खाना खा लिया है। खाना तो बहुत मज़ेदार था, अच्छा लगा खाना। हसन आपको कैसा लगा खाना? अच्छा। कौन सी शय आपने ज़्यादा इंजॉय करके खाई है? और मुझे फ़िश अच्छी लगी है, फ़िश भी अच्छी लगी है, बिरयानी भी इनकी टेस्टी है। तो चले व्यूवर्स, ठीक है, अभी करते हैं हम लोग घर की तैयारी और आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दें और दुआओं में याद रखें, जहाँ रहे खुश रहें। ओके, अल्लाह हाफिज़।